दोस्तों नमस्कार, जय श्री बालाजी, जय तेजा जी, बुधगिरी बाबा की जय हो। आज हम लोग फतेहपुर शेखावाटी, जो हमारा कस्बा है, जिनके पास मेरा गांव पड़ता है रोसावा, जो हमारे लिए बचपन में दिल्ली था, आज भी दिल्ली हमारे लिए, तो हम यहाँ एक बहुत ही पवित्र स्थान पे बैठे हैं। बुधगिरी जी महाराज की जो तपस्वी रही हुई है, जिसको हम फतेहपुर की मढ़ी बोलते हैं हम लोग, और ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ जो संत इस समय गद्दी पे हैं, दिनेश गिरी जी, जो उम्र में हमसे बहुत छोटे हैं, लेकिन आप हर तरह से, केवल भगवान वस्त्र के कारण नहीं, आप अपने विचारों से, अपने आध्यात्मिक ज्ञान से, अपने व्यवहार से, मन से आपको हम लोग से प्रणाम करते हैं। केवल इसलिए नहीं कि आप इस गद्दी पे आसीन हैं, आपकी योग्यताओं से हम सब लोग प्रणाम करते हैं। आपने फतेहपुर को, एक युवा पीढ़ी को, एक नया रास्ता दिखाया, नई प्रेरणा दी, दे रहे हैं। और आज हम लोग पीछे देखो, शानदार अजियल एक गौशाला में हम लोग आए हुए हैं। गौ सेवा क्या होती है, मैंने तो नज़दीक से आज पहली बार देखा है, किसान पुत्र हूँ, लेकिन गौ माताओं की सेवा क्या हो सकती है, और ये प्रेरणा महाराज आपको कहाँ से मिली? ये गौ सेवा की प्रेरणा, सबसे पहले तो आप सब दर्शकान जय गौ माता की और जय तेजा जी की। आज एक बहुत ही विशेष संयोग को दिन है, सुन जी के तेजा जी की जयंती है, तेजा दशमी है, और तेजा जी महाराज के जीवन में आप चर्चा करी से लंबे तौर पर, और प्रेरणा की जगह थे बात बता रहे हो, बिना आप जोड़कर अगर इस विषय पर चर्चा करें तो तेजा जी को जो जीवन हो वो पूर्ण रूप से भारतीय सनातन संस्कृति न समर्पित हो। बिल्कुल महाराज, और मैं आप बात बोलूँ कि भारतीय सनातन संस्कृति ने समर्पित हो तेजा जी महाराज को जीवन, तो जरूर थोड़ी यहाँ उसके कि समझ में कम आवे, लेकिन मैं ई प्रमाण से बात कर रही हूँ कि तेजा जी महाराज गौ सेवा में और गौ माता के प्रति पूर्ण समर्पित था, और भारतीय सनातन संस्कृति गाय के अलावा है ही कोई नहीं। आपकी जान के लिए दी थी, बताओ, प्राण मतलब इस बड़ो के उसके धर्म के लिए प्राण दे दिया। गौ माता मतलब भारतीय सनातन संस्कृति, बिल्कुल भारत धर्म की और हिंदू धर्म की और सनातन धर्म की जड़ गाय है, भी के लिए वह प्राण दिया। तो तेजा जी महाराज की आज सुखद जयंती है, आपा ने कितो बड़ो संयोग और शुभ अवसर मिले कि आप गौ माता के सानिध्य में आज आप तेजा जी महाराज ने याद कर रहे हैं, हमारी जयंती मना रहे हैं। मैं तो आप दोनों सिद्ध बुद्धिजीवियों के बीच इंटरफेरेंस कर रहा हूँ। महाराज पर गौ माता को आशीर्वाद है, और आप पर महाराज जी अलका गुरुजना को आशीर्वाद है। आप महाराज ने कह रहे हैं कि अति कम उम्र में अति समझदारी, अतो बड़ो काम, अति बड़ी सिद्ध पीठ ने पूरा देश में ख्याति दिलवाबा को काम, क्योंकि इस जनपद का ही नहीं बल्कि पूरा राजस्थान का लोग बात का साक्षी है कि जब बुधगिरी गो महिमा महोत्सव हुए हो, बिन पूरा देश को संत समाज, पूरी भारत की वैदिक संस्कृति ने जान वालो आदमी, सनातन संस्कृति ने जान वालो आदमी अपना पर गर्व करो कि मैं एक अति बड़ी सिद्ध पीठ हूँ जुड़ा हाँ। तो मेरो बस ओ मानव जखा लोगों पर ईश्वरीय आशीर्वाद हुए, गुरुजना को आशीर्वाद हुए, बड़ा संता को आशीर्वाद हुए, देवी आशीर्वाद हुए, माँ के लिए उम्र बड़ो ज़्यादा मायनों को रखे, क्योंकि जखा तेजा जी महाराज की आज निर्वाण तिथि है, तेजा दशमी है, वे महाराज शरीर छोड़ो हो भी टाइम सिर्फ 29 वर्ष का, 29 वर्ष की उम्र में अतो बड़ो काम अपने आप में बहुत बड़ी बात। इस देखो दोस्तों, वो एक दो लाइनें हैं अच्छी सी, बिन हरी कृपा मिले न संता। मैं तो मानता हूँ कि मेरा जीवन ही स्टार्ट वहीं से हुआ है, जैसे मेरे माता पिता का मानना है कि मकरंदास जी के आशीर्वाद से मैं दुनिया में आया, उसके बाद मेरे गुरुदेव, जिनका नाम बहुत कम उपयोग करता हूँ बट फिर भी बोल दूँ, पंडित हरिनाथ चतुर्वेदी, उनके सानिध्य में मैंने जीवन जीना सीखा, और उसके बाद आपका आशीर्वाद मुझे मिलता ही रहता है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अभी महाराज ने कही कि आदमी कुछ भी करे उसकी बुद्धि ठीक रहे, तो मैं भी आज तेजा जी महाराज से ही आशीर्वाद चाहूँगा कि मेरी बुद्धि हमेशा ठीक रहे, मैं अपनों की उम्मीदों पे खरा उतर सकूं, अपनों की जो भी उम्मीदें हैं सकारात्मक, उन सब के मैं इतना योग्य रहूं तन से, मन से, धन से, कि अपनों की सारी उम्मीदें मैं पूरी कर सकूं, सकारात्मक उम्मीदें पूरी कर सकूं। आज हम तेजा गायन की तरफ चलेंगे, तो कहे फिर बिल्कुल। तो भाई आरसी, और ये आरसी तो हमारा बढ़िया सिंगर है भाई, ये तो इसका तो काम ठीक है हमारे सब। तो तेजा जी के जीवन के बारे में युवा पीढ़ी को बताना चाहूँगा कि मात्र 29 साल की उम्र में आपने अपना शरीर छोड़ दिया, और दोस्तों 29 साल की उम्र भी आज 1000 साल तक याद है, इसलिए उम्र कितनी आपने ली इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपने जी कितनी जिंदगी, जिंदगी आपने जी कितनी, जिंदगी को आपने ढोया है, जिया है, बिल्कुल उस बात है। कई बार कह करो उनके जीवन की लंबाई मायनों को ना के जीवन की गहराई मायने रखती है,
तो तेजा जी महाराज के बारे में बता दूं, एक बिल्कुल गांव में पैदा हुए, उस समय उनके पिताजी जरूर, उस समय लोकल जो रजवाड़े होते थे या लोकल जो राजा होते थे उस घर में जन्म हुआ उनका, और उन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपना जीवन दिया। गायें भी खुद की नहीं, गायें भी दूसरे एक बहन ने कहा, लाचा गुजरी के नाम से जो जानते हैं, लाचा बहन ने कहा कि अरे कोई है क्या सूरा जो मेरी गायें बचा सकता है, मेरा बछड़िया, मेरी आँखें भराते हैं, मेरा बछड़िया दूध का लिए तरस है, मेरा गायन को ला दे मेरी। तो तेजा जी अपने ससुराल गए हुए, फिर वहाँ से उन्होंने फिर गायों के लिए पूरा अपना घोड़ी पे लीलन पे चढ़े और सर्प से उनका जो बीच में हुआ टकरार, फिर सर्प से उन्होंने कटवाया जाकर अपने मौत का वादा निभाया, मौत प्राप्ति का मतलब मृत्यु प्राप्ति, मौत सब गलत कर दिया, मृत्यु प्राप्ति का उन्होंने वादा निभाया दोस्तों, आजकल तो आप समझ सकते हो। इसलिए वो लोग हम ना थे तब भी तेजा जी रहे, हम कुछ सालों की धरती पे आए हैं तब तेजा जी हैं, हम कुछ सालों बाद निकल जाएंगे फिर भी लोग रहेंगे, क्योंकि इन लोगों ने अपना जीवन किसी और के लिए जिया, माँ गाय के लिए जिया, हमारी गौ माता के लिए जिया। तो अब एक बचपन का, बचपन से लेके आपके निर्वाण तक आपकी पूरी यात्रा का एक बहुत अच्छा गीत लिखा हुआ है। गीत निश्चित रूप से ये नागौरी भाषा में है, मारवाड़ी शेखावटी भी नहीं है, शब्द कुछ ऐसे हैं जो मुझे उच्चारण पूरे ढंग से नहीं करने आते हैं, तो मेरे शब्दों पे नहीं जाएं, महाराज ने कह दिया मैं अनुराग से गाऊंगा, इसलिए आप उस पे, तो मैं सभी साथियों से, तो बोलो तेजा जी महाराज की जय, गो माता की जय, बुधगुरु जी महाराज की जय। दोस्तों लोग कहते हैं कि जब जो कथा है तेजा जी की, बारिश हो गई, बारिश हो गई और जैसे लोग अपने घरों में अपने खेत में हल जोतते हैं, तो तेजा जी उस बच्चे थे, लाडले बेटे थे, सो रहे थे, तो माँ ने कहा कि तेजा खड़े हो और तन हल जोतना ही, तो यहाँ से माँ और बेटे की वार्ता शुरू होती है जो आखिरी अपने जीवन की आखिरी आहुति तक जाके समाप्त होती है। तो जितने भी हम इस कथा को गाएं उतना हमारा सौभाग्य है। कि लाग्यो लाग्यो जेठ ओ साड कंवर तेजा रे, लाग्यो लाग्यो जेठ ओ साड कंवर तेजा रे, लागे नोही लाग्यो सावण भायो भाई, लग तोड़ी लाग्यो सावण भायो, अतरी काई गहरी नींद सोयो कंवर तेजा रे, अतरी काई गहरी नींद सोयो कंवर तेजा रे, थारोड़े साई ना बीजे बाजरो भाई, थारे साई ना बीजे बाजरो, अतरी अतरी झूठ मत बोलो माता चरणी, अतरी अतरी झूठ मत बोलो माता चरणी, मारोड़े साई ना खेले गोर में ओ माई, मारोड़े साई ना खेले गोर में, गदे का उबाहाली हल खेड़ कंवर तेजा रे, ना 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 टाबर खेले गोर में ओ तेजा, ना 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 टाबर खेले गोर में। अब बहुत गहरी बात कहती है माँ, हल माता ने कहा कि भाई तेरे उम्र वाले लोग गोर में नहीं खेल रहे हैं, तू जाके हल जोत। तो तेजा जी के घर में नौकर चाकर थे, तो तेजा ने कहा होगा माँ से ये काम तो नौकर चाकर भी कर लेंगे। तो एक गहरी बात जो माँ ने कही वो मैं युवाओं से करना चाहता हूँ कि अपने काम को खुद करने से क्या होती है। बा कहती है कि हाली रे बायोड़ा मूंग मोट निपजे तेजा रे, हाली रे बायोड़ा मूंग मोट निपजे तेजा रे, थारो रे बायोड़ा मोती निपजे भाई, थारो रे बायोड़ा मोती निपजे, कैठे तो पड़ी है मारी रास माता झरनी, कैठे तो पड़ी है मारी रास माता झरनी, कैठे तो पड़ो है निकसे गाड़ो माई, कैठे तो पड़ो है निकसे गाड़ो, कैठे तो भंजाही बैल बोल माता झरनी, कैठे तो पड़ी है हलोरे हालड़ी तेजा, कैठे तो पड़ी है हलोरे हालड़ी, थाना में भंजाही बैल बाड़ में हल हालड़ी, थाना में भंजाही बैल बाड़ में हल हालड़ी, खूंटा तो टंगी है राशा सार ओ तेजा, खूंटा तो पड़ी है राशा सार ले, कि तड़के उठो भोर में हलियो लीनो हाथ,
आटो वालो बेच पोतियो ताजते जो चालो खेता माय अरे देवा ने मनाए खेत चालो कंवर ते जा रे देवा ने मनाए खेत चालो कंवर ते जा रे सुगन मनावे बेटो जाट को भाई सुगन मनावे बेटो जाट को। यहाँ से अब सुकून होना शुरू होते हैं क्योंकि तेजा उन बातों को गौर नहीं करते हैं कि मूर्तियों पूछाए पछे जाओ कंवर ते जा रे मूर्तियों पूछाए पछे जाओ कंवर ते जा रे सुगन मनाओ जाओ सास रे थे तो सुगन मनाओ जाओ सास रे। मैं यहाँ एक बात करना चाहूंगा, आज के कुछ युवा हमारे सनातन धर्म में मुहूर्त को इनको सुन को बुरा मानते हैं। 1000 साल पहले तेजा जी जो तेजा जी को मानते हैं और वो मुहूर्त को इनको दिखावा कहते हैं तो फिर तेजा जी ने जो किया वो गलत था क्या भाई? ना, या तेजा भक्ति हमारी कहीं ना कहीं मन से नहीं है या तेजा जी ने जो किया हमें वो करना चाहिए? तेजा जी खेत में गए, आपने सूर्ण पलाए, हर चीज़ को आपने किया, इसलिए हमारी सनातन संस्कृति के साथ जुड़े रहें आप दोस्तों, इसको मन में धारण करें। ये सबसे मजबूत संस्कृति है, दुनिया में सबसे स्ट्रांग संस्कृति हमारी है कि मूर्तियों पूछाए पछ जाओ कंवर ते जा रे सुगन मनाओ जाओ सास रे थे तो सुगन मनाओ जाओ सास रे। लाओ थारा वेद पुराण जोशी माराओ लाओ थारा वेद पुराण जोशी माराओ जूना जूंगाना देखो टीपणा थे तो जूना जूंगाना देखो टीपणा जोशी देख टीपणो माथो ठण क्यों जाए काल चौगड़ियो देखन ने चिंता रही सताए। जोशी जी को लग गया मूर्त ठीक नहीं है और मूर्त ठीक था भी नहीं क्योंकि उसके बाद तेजा जी का जीवन समाप्त होता है, इससे तो खराब मूर्त क्या हो सकता है, लेकिन तेजा जी अपने जिद और आन पे उसको काम को किया। तो दोस्तों कहते हैं कि जोशी देखो टीपणो माथो ठण क्यों जाए काल चौघड़ियो देखण ने चिंता रही समाज मूर्तियो पतड़े में चोखो छाप्यो कोनी राम जी मूर्तियो पतड़े में चोखो छाप्यो कोनी राम जी थारी तो दिखे है थोड़ी देवली तेजा थारी तो दिखे है थोड़ी देवली। आप थोड़ी कल्पना करो महाराज बैठे मुझे बात पता नहीं बोल लेने चाहिए कि एक पति पत्नी का पहली बार मेल हो रहा है शादी के बाद और उस स्थिति में बंदा अपनी पत्नी को छोड़ के पराए गाय की रक्षा में निकल जाता है, ये जीवन है, इसलिए भी 1000 साल बाद बैठ के इनकी गाथे हम आज गा रहे हैं। जिंदगी केवल मैं करना अपना पेट भरना नाम जिंदगी नहीं है भाई, ये जिंदगी है। जीवन में ऐसा कुछ करो कि मेरे बाबा एक बात करते थे दोबारा जी कि श्रवण उम्र किसको मानते हो? अक्सर लोग पूछते कितने साल जिए, उसको मानते हैं जितना जिए। आपके शरीर के त्यागने के बाद आपका नाम कितने सालों तक रहा वो आपकी उम्र होती है, सार्थक था वो उम्र है। तो हम तो साहब उन गुरु शिष्य हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है कि साहब आपका सानिध्य प्यार मिल रहा हमें कि दो घड़ी रुक जाओ परना साहिब वो सात छेडू सु थारे है वार में झगड़ेरी बाटक बुरी है सुन ले पे मल गोरी ये झगड़ेरी बाटक बुरी है सुन ले पे मल गोरी ये सूरजू देख्या कायर है कांपसी पे मल सूरजू देख्या कायर है कांपसी सूरो तो एकलो चढ़ गयो वारा में कांवर ते जा रे उगतो प्रभात तेजो चालियो गांव पने काकड़ माय लाए धधकती ज्वाला रे बड़तोड़ी अग्नि में देखो नाग जी बैतो बड़तोड़ी अग्नि में देखो नाग दया तो विचारी सूर कष्ट पावे है नाग जी भालेरी फटकार बारे काडियो बाने भालेरी फटकार बारे काडियो। जिससे निकले तेजा जी तो अग्नि में एक सर्प देवता जल रहे थे तो लगा तेजा जी को कि बेचारे परेशान है तो उन्होंने अपने भाले आप जानते ना तेजा जी के घोड़े पे एक भाला और सांप हमेशा होते हैं घोड़ा भाला और सांप तो बढ़ती लाए सु नाग बचायो जीव दाय ने दया ने जान बढ़ती आग लाए सु नाग बचायो जीव दया ने जान नाव नाग देवता बोलो तेजा कियो गजब अन्याय। क्यों नाग को मुक्ति मिल रही थी तो नाग गुस्सा हुए। कई बार देखो भला करके भी यज्ञ करके भी हाथ जल जाते हैं कि बढ़ती लाए सु नाग बचायो जीव दया ने जान नाग देवता बोला तेजा कियो गजब अन्याय
मारी देही पर दाग लगायो जा तो स्वर्ग में क्यों तो बचायो माने आए तू तेजा क्यों तो बचायो माने आए तू लाखिनी थारी जान बचाई सुन ले वासंग राजाओ लाखिनी तन जान बचाई सुन ले वासंग राजाओ गुण तो मानो ने अवगुण है मान लो तू तो गुण तो मानो ने अवगुण है मान लो सुरगा जा तोड़ा आज छुड़ायो कांवर तेजा रे सुरगा जा तो ना आज छुड़ायो कांवर तेजा रे मारे काड़ जिए उठे झाड़ रे नागदेवता कह रहे सुरग जा रहे हो तू बीच में बाधा बन गयो जीवन तो बचायो थारो सुन ले वासक राजा रे कांदा तो छोड़ो ने सर को दूर ने गैला सू हट जा जाए दूर सुन ले वासंग राजा ओ लीलन री टापासू किचरो दाज जीन तू तो लीलन की टापासू कचरो जावे सी साफ सामने खड़ा हो गया बस आग से बचाया साफ सामने खड़ा हो गया तेजा ने कहा भाई अलग हो जा नहीं तो मेरी लीलन तेरे को कुचल देगी तो साफ देवता ने जो बात कही गर्व सू बोलो तेजा कायर तू मत जान साहब बोलो कि गर्व सू बोलो तेजा कायर तू मत जान बटको एक भरू मैं तोरो ले लीलन है साथ तेरे को लीलन को दोनों को एक साथ खा जा सकता हूं मैं लेकिन तू भला आदमी है इसलिए मैं ये नहीं कहना चाहता बटको तो काई करो गुमान वासंग राजा रे बटको रो काई गुमान करो वासंग राजा हो सूरो पूरो मरने से ना डरे दासगे सूरो मरने से पूरो ना डरे थारो सासुरो श्राप आयो आडो फिर गयो कांवर तेजा रे थारी सासुरो शराब आडो फिर गयो तेजा रे थाने डसणो चिड़ली आंगली ताग ने कहा भी तू दे भला आदमी मैं तेरे उंगली चिट्टी उंगली डस लूंगा कि मुझे तेरे सासू का श्राप दिया हुआ है वो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा पर तेजाजी ने कहा भी ऐसा नहीं चाहिए जब वचन पूरा निभा क्या कहते हैं बटके तो थारी कारी बटके रो काई करे गुमान वासंग राजा ओ सूरो पूरो मरने सोना डरे थारो सासुरो सराप आडो फिर गयो ते जा रे ताने ढसू लो चिठली आंगली गुजरारी गाया फिर मिलस्यू वासंग राजा ओ गुजरारी गाया फिर मिलस्यू वासंग राजा रे आऊं बामी वचनारो बांधियो मैं तो आऊं बामी वचनारो बांधियो तेने कहा तेजा साहब देवता मैं एक बहन से वादा करके आया उस गाय लेके आऊंगा मेरा वचन है तेरी बामी मतलब जो बिल जो बोलते हैं तेरी बामी पे आऊंगा डसाने के लिए दोस्तों तभी हम आज हजारों साल बाद को याद कर रहे हैं चांद सूरज री साख में वचन देऊं वासंग राजा रे चांद सूरज री साख में वचन देऊं वासंग राजा रे आयोड़ा खेदड़ियो राओ जामणी थे तो आया खेदड़ियो राओ जामणी बामी आए जुड़ लो बेर चुकाऊं वासंग राजा रे देव है वचन बेटो जाटे को थाने देव है वचन बेटो जाटे को जेरी बेरी आदर दिनो सुरारी पाली प्रीत अमर आशीष है नागरी होसी झगड़े में जीत नाग ने कहा जा तेरे को आशीर्वाद है मेरा जीत तेरी होगी भाकर घाटी कानी चाल्या चाल्या कंवर तेजा रे भाकर घाटी कानी चाल्या चाल्या कंवर तेजा रे चोर ललकार्यो बेटो जाटे को बोतो चोरा ललकार्यो बेटो जाटे को तेजारी तलवार चमकी भालो चलियो हाथ में तेजारी तलवार चमकी भालो चलियो हाथ में चोर पड़ गया पैगाम में आए न तेजा चोर पड़ गया पैगाम में आए न झगड़ा माही जितर चालो कंवर तेजा रे गाया घेरा ने चालो देश में बोतो गाया ले चालो आप देश में गिन गिन गाया थे संभालो लाछा गुजरिए गिन गिन गाया थे तो संभालो लाछा गुजरिए रामरी छाया में मेलो बाछेड़ो थे तो रामरी छाया में मेलो बाछेड़ो लाया सारी गाय लो लारे रे गयो कालो केरड़ो तेजा जी सारा पशु गाय ले आए थे एक कोई केरड़ो बाको मूल जो बाछेड़ो हो वो रह गयो तो लाछा भाई ने कहा कि वो तो मूल तो रह गयो जो बिना क्यों रहे तो क्यों मारो लाया सारी गाय लारा रे गयो कालो केरड़ो सारा तो विनायक लारे छोड़ लियो थे तो सारा रो विनायक लारे छोड़ियो सुन लाछारी बात तेजा जी पाछा घिरिया जाए सुनते लाछन री बात
तेजा जी पाछा घिरिया जाए, लीलन ने अब हुक्म दिरायो पाछी गे लह चाल, आई जू ही पाछी घिर जा लीलन मारिए, आई जू ही पाछी घिर जा लीलन मारिए, लोरारी तिरसाई लाछा गुजरी, आ तो लोयारी तिरसाई लाछा गुजरी, चोर ने ललकारा पाछा वीर कंवर तेजा रे, मचियो घमसान रण में जोर को, बाणा सु शरीर बिंदो कंवर तेज लोया सू केसरियो जामो रंगयो, बाको लोया सू केसरियो जामो रंगयो, ओलो थारो केरडो समालो लाछा बाईये, ओलो थारो केरडो समालो लाछा बाईये, सारी मैं शिकायत थारी दूर की, मैं तो सारी शिकायत थारी दूर की, पेमल ताई भलाई पधार्या जीजा माराओ, पेमल ताई भलाई पधार्या जीजा माराओ, गाया बिन रहती बिलखी गुजरी, आ तो गाया बिन रहती बिलखी गुजरी, आई जू ही पाछी फिर जा लीलन ने बोला बोल, आई जू क्योंकि वचन को सरप को वचन दिया हुआ था, वापस वहां जा रहे थे तेजा जी, अब आई जू ही पाछी फिर जा लीलन ने बोला बोल, वचन निभावा बामसी चाल श्यामत लगा जे देर, पूरव रोजन मारो बैर चुकावा लीलन मारिए, पूरव रोजन मारो बैर चुरावा लीलन मारिए, कोल निभावे बेटो जाट को, तो कोल निभावे बेटो जाट, जल्दी से थे नाग जगाओ भोली नागणिए, धोड़ो घूमे है बामी बारण, जाके कहा नाग देवता की धर्मपत्नी से कि जगाओ अपने नाग देवता को, धोड़ो जाट तेरे दरवाजे घूम रहे है, वो नाग नाग माता कहती हैं, आयो जू ही पाछो फिर जा कांवर तेजा रे, आयो जू ही पाछो फिर जा कांवर तेजा रे, अवतारी कहेंगे कुल में एक लो, तू तो अवतारी कहेंगे कुल में एक लो, नाग माता ने कहा कि कुल में एक लो कहला वापस चले जाता हूँ, अभी डस जाएगा तो खत्म हो जाएगा, दोस्तों फिर भी लोग जान देते हैं यार, ये जिंदगियां होती हैं, वचन निभाओ थे तो वीर कंवर तेजा रे, जीवन तो देऊं मैं थाने दान में, सरप ने कहा कि जा वचन निभा दियो तूने, अब तेरे को जीवन दान देता हूं, चला जा, ना जी ना, कायर मत जान माने डस जावा संग राजा हो, कायर मत जान माने डस जावा संग राजा हो, जेरी बेरी रे आगे ते जो ना झुके वासंग, जेरी बेरी के आगे ते जो ना झुके, मैं तो मारो वचन निभायो वासंग राजा रे, कोल निभाओ वासंग देवता, कितनी बड़ी बात है यार, सरप कह रहा है कि नहीं काटना चाल, माफ कर दिया, वो कहता नहीं वचन मैं मेरा निभाया तू तेरा निभा, मुझे तेरा दान नहीं चाहिए, वो आज के आपके जमाने की बात कहूं कि एक एहसान हम पे करना कि कोई एहसान हम पे मत करना, ये बात तेजा जी के टाइम चल रही भाई, नाग देवता सुनी तेजारी बात में भरियो जोश, नाग देवता सुनी तेजारी बात में भरियो जोश, दसवाने तैयार हो गया मन में करके सोच, थारी देह से खून टपके कंवर तेजा रे, थारी देह से खून टपके कंवर तेजा रे, गावा ऊपर वासंग तो ना डसे, नागराज ने फिर एक बहाना बनाया कि तेरी देह से खून टपक रहा है, और आप ध्यान रखना दोस्तों, सांप कभी भी घाव पे नहीं डसता है, जहाँ कट लगता है वहां सांप कभी डसता नहीं है, तो जब लड़ाई हुई तेजा जी की चोरों के साथ गायों को बचाने में, तो पूरे शरीर में दोस्तों कहते हैं कि खून ही खून हो गया था, कि थारी दे से खून टपके कंवर तेजा रे, घावा ऊपर वासंग तो ना डसे, के तो मारो हतले वो जीब कंवारी मारी है, कैठे तो डस जाऊं वासंग है देवता, तो आपने कहा कि मेरी जीब है और मेरी हथेली है, दोस्तों देखना कभी तेजा जी की घोड़ी के ऊपर सर्प है, वो बताओ सर्प क्या हुआ, फिर तेजा ने कहा कि तू मेरी घोड़ी पे बैठ और मैं जीप को डस ले, वो जो सर्प घोड़ी पे बैठा हुआ वो दस्ता तेजा जी को, ये फोटो ऐसे नहीं बनी है, ये कहानियां ऐसे नहीं बनी है, मैं कहना चाहता हूँ या पीढ़ी हो, यदि ये कहानियों पे विश्वास नहीं करते हो और फिर आप मंदिर में कहीं जाते हो, कहीं जाके प्रणाम करते हो, तो दिखावा है, ये कहानियां झूठ हैं, तो फिर पत्थरों में क्या पड़ा भाई, ये कहानियां सच हैं, कर्मा बाई सच है, हमारे बुद्ध गुरु जी महाराज सच हैं, अमरनाथ जी सच हैं, ये सब सच है, तभी हम लोग बैठे हैं दोस्तों, हम हमारा सौभाग्य मानते हैं इतने सब लोगों का कि हम एक संत सानिध्य में हम इस तेजा गायन को कर रहे हैं, तो दोस्तों क्या कहते हैं आगे कि नाग देवता सुनी, नाग देवता सुनी तेजारी बात,
बाता में भरियो जोश दसवाने त्यार हो गयो मन में करके सोच थारी देह के खून टपके कंवर तेजा रे घावा ऊपर वासंग तो नाट से के तो मारो हतले वो जीब कंवारी मारी ते कैठे तो डस जाओ वासंग हे देवता धन्य धरती क्या कहता नाग देवता धन्य धरती धन्य मात पिता तेजा थारा रे धन्य धरती धन्य मात पिता तेजा थारा रे धन्य धोला रो जायो पावियो तू तो धन्य धोला घर जाम्यो पावियो कालो रो धोला रो बैर आ चुका स्यू तेजा रे कालो हो धोला रो बैर आ चुका स्यू तेजा रे कालो हारो है धोलो जीतियो भाई कालो हारो है धोलो जीतियो तेजो नहीं सू तू सूरो है क्या बात तेजो नहीं तू सूरो है कोई बात सुन ले मारी है देव वरदान वासंग देवता नागराज कहते तू सूर है तेजा सामान्य पुरुष नहीं है तू सूर है तेरी जस गाया जाएगा जन्म जन्मों तक तेरे को लोग पूजेंगे लोग देवता की तरह ये नाग देवता का इसलिए दोस्तों हमारी बणी में हमारी जो गांव की मेड़ी होती है वहाँ तेजा जी का जहाँ सांप काट जाता है हो सकता है अंधविश्वास लगे बट कुछ हद तक सही भी है। आज भी लोगों की आस्था है कि वहाँ सर्प दर्शन के बाद वहाँ इलाज होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि साइंस फेल है लेकिन दोस्तों मैं मेरी बात को भी नकार सकता मैं आपकी साइंस को स्वीकारता हूँ पर आप मेरे सनातन को नकारो ये मुझे मंजूर नहीं दोस्तों दोनों को स्वीकारो तब जाके बात बनती है डियर। कुल रो तू कुल देव बना लो बन गए ना आज साहब बिल्कुल हजारों साल पहले सर्प देवता का दिया आशीर्वाद है जिस गाथा को हम आज गा पाए और साहब महाराज आज तो मजा आ गया गौशाला में पीछे काम आता है देखो सर बिल्कुल क्या बात है। कुलरो तू देव देव बने लो पूजा घर घर माई इस बार तेजा जी महाराज ने हमारे कुछ युवा लड़कों के जिसमें हमारा ओंकार सबसे आगे नेतृत्व में था एक विचार दिया कि तेजा जी की घर घर फोटो भेजी जाए तो युवा लोगों ने इतने पोस्टर छपाए हमारे गोवर्धन जी ने भी फतेहपुर खूब बांटे हैं और दोस्तों घर घर में तेजा जी की फोटो घर घर तेजा हर हर तेजा तो ये विचार तेजा जी का था अपन तो निमित्त मात्र हैं और ये बड़ी बात है। मैं हमेशा कहता हूँ कि देवता को हमेशा पुजारी पूजाते हैं देवता को हमेशा पुजारी पूजाते हैं पुजारी योग्य हैं जैसे मढ़ी में आज बैठे हैं दिनेश गिरी जैसे सक्षम एक शिष्य हुए इस मढ़ी के अगले उत्तराधिकारी हुए तो आज मढ़ी पूरे एरिया में शेखावट से बाहर भी पहुँच गई जहाँ सब लोग बहुत कहते हैं ना मन से सर झुकाते हैं। एक बार एक व्यक्ति महाराज किसी मंदिर की चौकड़ी में सर झुका रहा था तो नास्तिक कह रहा है इन पत्थरों में क्या पड़ा यहाँ सर क्यों झुकाता है तो उसने बड़ी प्यारी बात कही ये सर तेरे सद पे झुकता है क्यों सर तेरे सदके से मिला है। जहाँ से मिला वहाँ झुक रहा भाई इसमें कोई बड़ी महाराज एक बात कहूँ आपको हम एक बार सरा से पैदल जा रहे थे तो हम जा रहे थे तो मैं 21 यात्रा कर चुका पैदल सरा सर की तो एक मुस्लिम बच्ची मेरे साथ पैदल जा रही थी तो छोरी उसको थोड़ा अरे मियाँ जी आप कहाँ जा रहे हो तो उस लड़की ने बहुत प्यारी बात की बोले मुझे नहीं पता बालाजी मैं इस्लाम को मानती हूँ मुझे नहीं पता बालाजी कौन है पर मेरे लिए कहा कि मैं जिस व्यक्ति के पांव छूती हूँ ना वो वहाँ जाके नतमस्तक होता है तो बड़ी चीज़ है वहाँ कोई वो बच्ची साहब महाराज उस बच्ची की मदर स्कूल में चपरासी थी वो लड़की डॉक्टर बनी आज खुद का बहुत अच्छा हॉस्पिटल आती अपना हुआ तो सब उसकी सद्बुद्धि थी बच्ची की। ऐसे एक बार की कहानी बताऊँ हम जिन माता पैदल गए तो मैं तो बच्चे उधर से लाइन से आ गए और मैं वो पुजारी भाई आगे ले गए मैंने मुड़ के देखा पीछे तो हमारी फरा नाज खड़ी सबसे आगे अच्छा मुस्लिम बच्ची वो साहब तीन बहन भाई हैं तीनों एसएमएस में पढ़ाई पढ़ रहे हैं डॉक्टरी पढ़ रहे हैं मैंने कहा मियाँ जी तू बोले नहीं नहीं साहब बॉस आगे तुम्हारे सब आगे तो दोस्तों कुल रो तू कुल देव बने लो ये नाग देवता का आशीर्वाद है। कुल रो तू कुल देव बने लो पूजा घर घर माई हड़ौतियों में करे थारी पूजा पान लागेड़ो झड़ जाए। हड़ौतिया मतलब होता भाई हल हड़सोतिया हल को पहली बार जोतना। आज भी गाँव का हर व्यक्ति कोई जात से नहीं है तेजा जी उस किसान के देवता है जो हर जोता खेत है जब भी हरसोतिया होता है सब तेजा गाते हैं। हम बच्चों खूब गाया लागे हो जेठ ओ साढ़ कांवर तेजा रे अमर आशीष अमारी कांवर तेजा ओ युग में अमर रहो गो नाम रे तेजा युग में अमर रह सी तेरो नाम रे धन धन हो सुरारी जाई मर्दुर जननी वीर की वारी वारी ओ तेजा जाट ने रैणेवती में आंसू देवासी बकरी चराव रे तेजा ने हेलो मारियो। वहां जब ये घटना हो रही थी सर्प काटने वाले थे तो वहां एक भाई बकरी चला रहे थे उनको बुलाया तेजा जी ने क्या कहा विपता माही काम आवे ओ भाई जानू बीरो रे कितनी गहरी बात है विपता माही काम रो जानू रे मारोड़ा समाचार सासरिये देव जे जन्म जन्म रो बैर चुकायो डसियो वासंग राजा ओ मोलियो पेमल ने कर जे पूगे तो तू तो मोलियो पेमल ने कर जे पूगे तो सूरज वीर
सूरवीर तेजारी गाथा अमर चारों दिशा माए, सुनिया सुरारो जागसी मारवाड़ रे माए, सासू ससुरा ने दीजो राम दुआई मारियो। देखो ये तेजा जी अपने परिवार को ससुराल को जो लास्ट में संदेश भेजते हैं ये किसी आरती से कम नहीं दोस्तों। सासु ससुरा ने दीजो राम दुआई मारियो, दीजो पे मलने में मद मोलियो, निजरासु देखी जी किसी कह दीजे पे मल गोरी ने, घड़ी पल करो तेजो पावेणो, तो घड़ी पल करो तेजो पावेणो। रोम तीली लड़ने बोलिया बोलिया कंवर तेजा रे, रोम तीली लड़ने बोलिया बोलिया कंवर तेजा रे, साचोड़ा समाचार बोलिया जीजे, काका बाबा ने से कही जे प्रणाम हाथ जोड़ वो, काका बाबा ने कही जे प्रणाम हाथ जोड़, भाई भोजाया कीजे नीवणो, भाई राजल ने धीरज दीजो लीलन मारिए, भाई राजल ने धीरज दीजो लीलन मारिए, बहन रो बिछड़ गयो तेजो आप रो आज, बहन रो भाई तो बिछड़े गयो आज रे, दे समलावत लीलन ने तेजो बोलो बोल, बोले ले समलावत दे लीलन ने तेजो बोलो बोल, दस ले मारा वासंग राजा पूरो कर ले कोल, चिबड़ लिया डंक भरायो वासंग राजा रे, चिबड़ लिया डंक भरायो वासल राजा रे, लीलन के ठाणे घालो थे बैसणो थे तो, लीलन के ठाणे थे घालो बैसणो, नाग देवता ऊपर चढ़ गया ठाणे घालो बैसणो, झपटो तो मारो वासंग देवता, अमरापुर चालो है हसलो परदेसी बन पावना, अमरापुर चालो परदेसी बन पावना, झगड़ा फुलड़ा मेरे गई वासना, आतो झगड़ा फुलड़ा मेरे गई वासना, तेजो जेड़ो वीर जायो ने जननी मान है, तेजो जेड़ो वीर जायो वा जननी मान है, ऐसो दुनिया में सूरो ना मिले भाई, ऐसो दुनिया में सूरो ना मिले, पाली पाली वचनारी प्रीत कांवर तेजा रे, पाली पाली वचनारी प्रीत कांवर तेजा रे, जुग में सवायो हो गयो भूमियो, ओ तो जुग में सवायो हो गयो भूमियो, अमर नाम तेजे जी जग में, अमर नाम तेजो जी जग में, गावे घर घर गीत रे, अमर नाम जग में तेजो जी गावे घर घर गीत रे, मरुधर धरती में हो गयो नाम जी, ओ तो मरुधर धरती में हो गयो नाम जी, बणियो बणियो नामा खैर नाल मोटो धाम जी, बणियो बणियो नामा में खैर नाल मोटो धाम जी, दिवलारी ज्योति जगमग है जागसी भट, दिवलारी ज्योति है जगमग है जागसी, लाग्यो लाग्यो जेठे ओ साठ कवर तेजा रे, लाग्यो लाग्यो जेठे ओ साठ कवर तेजा रे, लगतो ही तो लाग्यो सामने बाद ओ भाई, लगतो ही लाग्यो सामने बाद, बोलो तनुज महाराज की जय, गो माता की जय हो, बुधगिरि जी महाराज की जय हो, राम सा पीर की जय हो, बाबू जी महाराज की जय हो, अपने अपने गुरु भगवान की जय हो, आज का आनंद की जय हो।